दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के आईपीएल स्पेशल एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 15 मई 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज की तारीख में टाटा आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग टाटा आईपीएल 2023 से जुड़ा हर अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की टाटा आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2023 की पॉइंट टेबल को लेकर, जहां पर आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कल सुपर संडे में हमें दो बहुत ही जबरदस्त और रोमांचक महामुकाबले देखने को मिले, जहां पर पहला मैच हमें दोपहर में यहां पर राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के बीच हमें राजस्थान टीम के होम ग्राउंड जयपुर में देखने को मिला। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की थी, अच्छा टारगेट यहां पर राजस्थान रॉयल्स के सामने खड़ा किया था और वे बिल्कुल इजीली यहां पर आरसीबी टीम के गेंद को काफी ज्यादा यहां पर डोमिनेट करते हुए नजर आए। मैच 59 के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ऑल आउट हो गई थी और भाई बहुत ही बड़ी और बहुत ही जरूरी जीत यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को मिली। वही सेकंड महामुकाबला हमें चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच हमें चेन्नई टीम के होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम में देखने को मिला और उस महामुकाबले का रिजल्ट भी आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। लेकिन सुपर संडे में खेले गए दोनों महामुकाबलों के बाद हमें टाटा आईपीएल 2023 की पॉइंट्स टेबल में काफी सारे बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। जी हां, इन दोनों महामुकाबलों के बाद जो आईपीएल 2023 की नई नवेली पॉइंट्स टेबल है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, जहां पर भाई आप देख सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को बड़ा बेनिफिट यहां पर हुआ है। पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर आरसीबी की टीम आ गई है और भाई कहीं ना कहीं नेट रन रेट जो अभी तक काफी ज्यादा माइनस में चल रही थी वो फाइनली हमें यहां पर थोड़ा सा प्लस में देखने को मिली है। चेन्नई सुपर किंग की टीम अपनी सेम पोजीशन पर बरकरार रहेगी वही आपको पता है, बाकी टीमों में मतलब नीचे वाली जो बॉटम ऑफ द टेबल में जो टीम्स है उनमें भी कुछ छोटे मोटे फेर बदल यहां पर हुए, जिसके चलते भाई अभी तक की नई पॉइंट्स टेबल को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 में आज होने वाले महामुकाबले को लेकर, जहां पर आज होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग महामुकाबला, जहां पर आज भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे गुजरात टाइटंस के सामने होगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है। आपकी यहां पर गुजरात टीम की होम ग्राउंड में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमें यह जबरदस्त महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। गुजरात टाइटंस की टीम जैसे इस महामुकाबले में जीत दर्ज करेगी तो ये प्लेऑफ में इस टीम की जगह बिल्कुल पक्की हो जाएगी, प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली फर्स्ट टीम गुजरात टाइटंस बन जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस महामुकाबले में हार जाती है तो हैदराबाद टीम का सफर यहां पर पूरी तरह से टोटली समाप्त हो जाएगा। हालांकि अभी भी यहां पर छोटे मोटे चांसेस जरूर है, लेकिन दोस्तों जैसे यहां पर एक और हार इस टीम को मिलती है तो टीम पूरी तरह से प्लेऑफ्स के सफर से बाहर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को लेकर। जी अपने सब्सक्राइबर्स के लगातार यहां पर कमेंट्स आ रहे हैं, जहां पर सभी का एक मैक्सिमम सवाल हमें देखने को मिला है, जहां पर भाई आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम किस तरह से टाटा आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती। तो इसके लिए एक सिंपल सा सिनेरियो यहां पर बना हुआ है, जहां पर भाई सबसे पहले आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को अपने बचे हुए दोनों महामुकाबलों में एक अच्छे मार्जिन के साथ यहां पर जीत दर्ज करनी होगी। लेकिन दोस्तों उस जीत से भी यहां पर काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा यह टीम बाकी टीमों पर भी डिपेंडेंट हो गई है, जहां पर भाई आपके लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को अपने बचे हुए दोनों महामुकाबलों में हारना पड़ेगा और उसके अलावा भाई आपकी यहां पर पंजाब किंग्स टीम को अपने बचे हुए तीन महामुकाबलों में से दो महामुकाबलों में हारना होगा, तभी यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम हमें आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करती हुई नजर आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर। जी हां, जोफ्रा आर्चर को लेकर बड़ा अपडेट है। हालांकि आप सभी को पता है कि आईपीएल के नाम पर जोफ्रा आर्चर ने मुंबई इंडियंस को बहुत ही तगड़ा चूना लगाया। पिछले साल भी आपकी इंजरी की वजह से भाई पूरी तरह से रूल्ड आउट रहे थे और अब की बार भी केवल 5 महामुकाबले के लिए काफी ज्यादा महंगे इस टीम के लिए साबित हुए और भाई एट द एंड इंजरी की वजह से रिहाब के लिए अपने मतलब कमबैक के लिए अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए उन्होंने एक बार फिर से
आईपीएल को ड्रॉप कर दिया है, बीच आईपीएल में मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से हमें बहुत ही बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल रही है, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम और जोफ्रा आर्चर के बीच एक डील हुई है, जहां पर उस डील के माध्यम से पूरे साल के लिए जोफ्रा आर्चर मुंबई इंडियंस टीम के लिए अपनी सेवाएं दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड आपका यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस में है, हालांकि यहां पर अप्रूवल का अभी तक इंतजार है, अप्रूवल अभी तक नहीं मिला इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। जैसे ही पूरी सिचुएशन के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का कोई भी फर्दर अपडेट नेक्स्ट अपडेट इसके रिगार्डिंग रिवील करता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को लेकर, जहां बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, फिक्चर्स का सभी को इंतजार है, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर अभी से कुछ टाइम पहले वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग देखने को मिली थी, जहां पर भाई पहला मैच हमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच देखने को मिलेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जबरदस्त महामुकाबला देखने को मिलेगा, वर्ल्ड कप का फाइनल महामुकाबला भी हमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिलेगा, जिसके चलते भाई इस वेन्यू को थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस यहां पर जरूर दी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अड़ंगा अटका दिया था पर भाई पाकिस्तान ने ऐसा बोल दिया था कि भाई जब तक यहां पर आपकी 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की एग्रीमेंट पर बीसीसीआई साइन नहीं करती तब तक वो वर्ल्ड कप के लिए अप्रूवल नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट अपडेट्स उसके मुताबिक कैसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम भारत दौरे के लिए तैयार हो चुकी है और भाई डेफिनेटली हमें भारत और पाकिस्तान के बीच थ्रिलर महामुकाबले देखने को मिलेंगे और भाई ये बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों जैसे सिचुएशन के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का कोई भी नेक्स्ट अपडेट आता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर, जहां पर वेन्यू को लेकर अभी तक लगातार बड़ा सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन दोस्तों एट द एंड यहां पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हां अभी तक वैसे तो वेन्यू को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों अमेरिका या फिर श्रीलंका दोनों में से किसी एक वेन्यू पर हमें एशिया कप 2023 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मीटिंग के बाद वेन्यू को ऑफिशियली रिवील कर दिया जाएगा और जैसे अपडेट आता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आज 15 मई 2023 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों के ऊपर आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।